अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी रितेश नक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन के बारे में और ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन के बारे में। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या ये एक आम इंसान यूज कर सकता है अपने डेली बेसिस पे, या उसको करना चाहिए, या ये बहुत जरूरी होता है, या कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जिसके अंदर सिर्फ हमें यूज करना चाहिए? आज हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर कि सैगी स्किन के लिए कितना जरूरी है, जो वेट लॉस करते हैं उसके बाद उनकी स्किन ढिलक जाती है उसके लिए कितना जरूरी है, और जो फैट लॉस, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों डिफरेंट चीजें हैं, जो फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये कितना जरूरी है। इसके साथ साथ जो है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से सुननी है ताकि आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो सके, और आज एक बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट के बारे में भी आपको रिव्यू दूंगी साथ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिश ऑयल और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं। पहले आप एक कंफ्यूजन क्लियर कर लें कि फिश ऑयल या ओमेगा 3 ये दोनों सेम चीजें होती हैं। सम टाइम हम कोई भी चीज लेते हैं वहां पे ओमेगा 3 लिखा होता है या किसी पे फिश ऑयल लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीजें हैं। अब हम बात करेंगे कि ओमेगा 3 आता कहां से है या ये होता क्या है। ओमेगा 3 बेसिकली होता है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड कहां से आता है? ये फैट से आता है। जैसा कि बॉडी के अंदर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और इसके साथ साथ जो है हमारा फैट्स होता है। जो फैटी एसिड्स हैं वो फैट से आ रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज आ रहा है, और प्रोटीन के अंदर जो है हमें माइनो एसिड्स मिल रहे हैं। सो जो फैटी एसिड्स हैं उसमें ओमेगा 3 आता है। ओमेगा 3 को हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि हेल्दी फैट्स समझे जाते हैं, जो कि हमें बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्रेन हेल्थ के अंदर, हमारे बॉडी फंक्शंस के अंदर, हार्ट हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सो इस वजह से हमें इसको किसी भी आउटर रिसोर्स लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद बना नहीं सकती है इसको अंदर, ठीक है। सो इसलिए हम लोगों को इसको फूड से लेना पड़ता है या इसको सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। जैसा कि ओमेगा 3, ये थोड़ी सी साइंटिफिक बातें हो रही हैं, सो इस आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी इंसान को नॉलेज होना चाहिए ना। जैसे कि ओमेगा 3 या ओमेगा 3 को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। 3 फैटी एसिड्स होते हैं, AHA होता है, DHA होता है और EPA होता है, ठीक है। सो इस चीज को हमारा, ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी हार्ट हेल्थ को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारी बोन हेल्थ को, हमारी ब्रेन हेल्थ को, हमारी स्किन हेल्थ को, इवन दैट हमारा मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इसको एक डेली पर्सन कंज्यूम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, जो कि ढेर सारे हैं, बट मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े से और बहुत जबरदस्त से जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले ये हार्ट हेल्थ को हम मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हार्ट हेल्थ को, हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और इसके साथ साथ जो है हार्ट अटैक का रेशियो जो है वो बहुत कम कर देता है अगर हम फिश ऑयल या कैप्सूल जो है अपने डेली बेसिस पे यूज करते रहे। इसके साथ साथ जो है आर्टरीज, जो हमारी माइक्रोवेन्स होती हैं, उनको बहुत स्ट्रेंथन करता है, उनको हार्ड होने से रोकता है और बहुत सॉफ्ट, और उसको अपना फंक्शन जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट में रह के अपना परफॉर्म करने देता है। इसके साथ साथ जो है जिन लोगों को एंजाइटी अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन अटैक्स होते हैं, जिनको थोड़ी थोड़ी सी बात पे, हमें आजकल जो है मेजर यंग जनरेशन को छोटी छोटी सी बातों पे टेंशन होना लग जाती है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, तो ये बहुत आपको हेल्प आउट करता है आपके ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको रिलैक्स रहने में। और इसके साथ साथ जो है वो छोटी छोटी बातें जो है अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हम आप ही याद करते हैं, हम भूल जाते हैं, ये कोई भी सबक याद करते हैं, कोई लेसन याद कर रहे होते हैं, स्टडी के ऊपर फोकस नहीं हो पाता है, तो यू शुड एड 1 कैप्सूल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन योर डेली लाइफ। आप लोग खुद देखेंगे अपनी ब्रेन हेल्थ के अंदर, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर स्ट्रेंथन कितना फील करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने एक रिसर्च पढ़ी जो कि बहुत ही कमाल की लगी है, वो आप लोग भी सुन के हैरान रह जाएंगे, कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मतलब जो हमारी बॉडी जो है, हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होती है तो खुद ब खुद लड़ती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो डिजीजेस से खुद ब खुद लड़ सके। तो ये क्या करती है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो पैंक्रियास को स्टॉप करती है इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस करने के लिए, कि उसको कहती है कि तुम नहीं करो। सो ये बहुत ज्यादा
जबरदस्त सोर्स है। अगर आप जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं वो अगर अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो यूज करें। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बात बताएंगे कि जो लीवर के इर्द गिर्द जो फैट्स होती हैं, फैट्स इकट्ठी हो जाती हैं, उसको बहुत कम करती है। और इसके साथ साथ जो लोग फैट लॉस कर रहे होते हैं, एक होता है वेट लॉस होता है, ठीक है, एक वेट लॉस होता है, एक होता है फैट लॉस। फैट लॉस में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सिंपल वर्ड में बताऊंगी जो गंदा फैट होता है ना उसको हम लोग रिमूव करते हैं, एक्सेसिव फैट को हम लोग रिमूव करते हैं ताकि हमारा जो मसल्स हैं वो बिल्ड हो, ठीक है। जो जिमर्स होते हैं वो करते हैं, तो उसमें ये क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करता है और साथ साथ जो है आपका फैट लॉस करता है। लाइक आपको जो है इंचेस में कम हो रहा होता है, आपका वेट कम नहीं हो रहा होता। जिनको एथलीट जो है जो जिम करते हैं तो उनको ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो है एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका जो फायदा है वो ये है कि जनाब आपको जितने भी बच्चे हैं उनको अक्सर बच्चों में देखते हैं ना हम चिड़चिड़ापन आता है उनमें, वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं, या कोई बच्चों के आपस में एक बच्चा होता है सीरियस वाला, उसका बिहेव भी सबसे डिफरेंट होता है, चिड़चिड़ा सा बच्चा होता है। सो ये चीज उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आप उसको 500 mg का जो कैप्सूल है आप वो बच्चों को दिया करें। हमारी मम्मा हमें बचपन में हमें याद आता है कि इतने कैप्सूल ना सबको एक 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 मुंह में डाल देती थी और हम उसको चबा भी लेते हैं, लेकिन अब बहुत बुरा लगता है, चबाते नहीं है, हम इसको निगल लेते हैं। सो ये बच्चों को सोशलाइज परफॉर्म करने में, उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है, उनमें चुटचुड़ापन खत्म करती है। और इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी बात, आपकी स्किन को यंग रखने के लिए आपके जो एजिंग लाइंस आ जाती हैं, लॉफ लाइंस पड़ जाती हैं, आपकी स्किन के मसल जो है ना वो देखते हैं लाइंस पड़ जाती हैं, उसको बिल्कुल स्मूथ जैसे कोई लोशन ही लगाया होता है बहुत ज्यादा मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है ओमेगा 3 हमारी। इवन दैट जिनको प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तो वो अगर फिश ऑयल का मसाज भी करें उसके ऊपर तब भी हमारे स्ट्रेच मार्क्स खत्म होते हैं। और इवन दैट आफ्टर प्रेगनेंसी, जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद डेली बेसिस पे अगर आप फिश ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी अपनी शेप में आना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी शेप में आती है और बहुत जल्दी आती है। और इसके साथ साथ जो है एक और बेनिफिट जो इसका मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी वो है कि अगर आपको हेयर फॉल है, आपकी बोन हेल्थ वीक है, आपका विटामिन डी कम है, तो फिश ऑयल आप लोगों को जरूर यूज करना चाहिए ताकि आपका हेयर फॉल खत्म हो। समटाइम ऐसा होता है कि हम, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है कि हम डेली बेसिस पे फिश यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हमारा सीजन भी आता है और लाइक विंटर में अक्सर लोग जो है हम प्रोड्यूस वो खा रहे होते हैं, प्रोड्यूस क्या करना है, होता समंदर में होता है, तो हम लोग जो है वो खा नहीं रहे होते हैं अभी डाइट के अंदर डेली डेली फिश, तो इस वजह से इसको हमें अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है हमारा आई विजन जो है, विजन जिनकी जो है वो वीक है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके आई मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो जरूर ऐड करें एवरी पर्सन। मैं खुद भी, हमारे घर में हर लोग जो है, मतलब हर एक चीज ऐसा एक सप्लीमेंट, हाँ अगर आप डाइट के तौर पर आप इनफ, समटाइम कुछ रिसर्च ऐसे कहती हैं कि जो डाइट है फिश है ना उसके अंदर मरकरी भी होता है, क्योंकि वो सी में जो प्रोड्यूस हो रही होती है तो मरकरी भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। सो इट्स द सेफेस्ट जोन के अगर आप जो है वो सप्लीमेंट की फॉर्म में इसको आप यूज करते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है अब हम बात करेंगे कितनी क्वांटिटी इसकी रिक्वायर है और जो मेजर हमारे जो वुमेन की बॉडी, हाँ एक और फायदा तो मैं भूल ही गई हूँ, वो ये है कि मेंस्ट्रुएशनल पेन जिनको होती है, पीरियड्स की पेन बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा पेन फील भी होती है, कि ये भी रीजन होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे अपनी ये, मतलब लाइक 3 मंथ तक आप इसको कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे यूज करेंगे ना, तो आपको पीरियड्स पेन जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे आपसे और बहुत ज्यादा लाइक सुकून सा आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको पीरियड्स पेन नहीं होगी इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कितनी डोज आपको लेनी चाहिए। बेसिकली जो वुमेन को है वो 1100-1200 mg तक उनको रिक्वायर होती है डेली बेसिस पे, और साथ जो है हमारा जो मेल है उनको 1600 mg तक रिक्वायर होता है। लेकिन जो सेफेस्ट जोन है ना उसमें ये होता है कि हम 1000 mg का जो सेफेस्ट जोन कैप्सूल्स होते हैं, सेफ है हर किसी के लिए, किसका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि आपको मोशंस भी लग जाते हैं, वो तब होता है जब आप क्वांटिटी से अबव यूज करें, ठीक है।
सो 100 mg का कैप्सूल जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है इजीली, वो ये है कि ये देखें न्यूट्री फैक्टर का नॉर्मेगा सप्लीमेंट है इनका, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सॉफ्ट जेल है और ये हमारे घर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ EPA एंड DHA होता है, जो कि सपोर्ट करता है हमारी कार्डियोवैस्कुलर और ब्रेन हेल्थ को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो मैं इसका लिंक भी आप लोगों को डाल दूंगी और जाके आप लोग जरूर, बल्कि ये पूरी जो है ना 30 कैप्सूल्स है, एक मंथ के लिए आपकी इनफ है, एक पर्सन के लिए। जितने भी पर्सन है हमारे घर में सबकी एक 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 आ जाती होती है और हर कोई अपना अपना कैप्सूल जो है वो हर मंथ उन्होंने खत्म करनी होती है एक बॉक्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप लोग जरूर इसको यूज करें। आपकी स्किन को जो कहीं से डार्क और कहीं से ये लाइटन, तो ये इवन टोन करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बाकी जो है आप लोग खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और साथ साथ जो है ये यूज कर सकते हैं। मेरा फर्ज था आप लोगों को हर न्यूट्रिएंट के बारे में बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ये एवरी पर्सन इसको यूज कर सकता है। तो आप लोग देखेगा अपने अंदर जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनके अंदर कैसा चेंज आता है और साथ बच्चों के बिहेवियर के अंदर कैसा चेंज आता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मैं इसका जो है प्रोडक्ट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग जाके जरूर ऑर्डर कर सकते हैं। आराम से सुकून से आपका जो है ये मंथ गुजर जाएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ भी आप लोग नया आप यूज कर सकते हैं। एक बॉक्स इनफ है, सो कोई महंगा भी प्राइस नहीं है, बिल्कुल रीजनेबल सी प्राइस है इसकी। और जाके आप लोग जाके ऑर्डर करें इसको जाके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को जो ढेर सारे फायदे हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।